विजेंद्र सिंह इंद्रपुरा कांग्रेस को त्याग कर भाजपा में शामिल। झुंझुनू जिले के उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। विजेंद्र सिंह इंद्रपुरा ने कांग्रेस को त्याग कर अब भाजपा में शामिल हुए। शामिल पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के भांजे व कांग्रेस नेता विजेंद्र सिंह इंद्रपुरा कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा के प्रदेश मुख्यालय कार्यालय में की राजेंद्र सिंह गुड्डा के बढ़ते रुतबे के कारण काफी दिनों से विजेंद्र सिंह इंद्रपुरा कांग्रेस से नाराज चल रहे थे, साथ में दूरी भी बनाए हुए थे। बहरहाल उदयपुर वाटी में भाजपा के टिकट का एक और दावेदार बढ़ गया है। यह भी जानकारी दे दे कि पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी और माली समाज से भाजपा जिला अध्यक्ष पवन मावड़िया पहले से ही टिकट की दौड़ में चल रहे हैं। अब राजपूत समाज से विजेंद्र सिंह इंद्रपुरा एक बड़े दावेदार के रूप में सामने आए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष, राजस्थान के प्रभारी, राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय अरुण सिंह साहब मंच पे विराजमान, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और चित्तौड़ से कई बार सांसद चुनके आने वाले युवा नेता हमारे सीपी जोशी साहब, मंच पे विराजमान पूर्व मंत्री आदरणीय देवरानी साहब, मेरे साथ में ज्वाइन करने वाले साथीगण आदरणीय जनरल सेक्रेटरी महोदय और मेरे पीछे विराजमान मेरे पिता तुल्य पूर्व वाइस चांसलर लोकेश जी शेखावत साहब और सम्मानित मंच, सम्मानित प्रेस, पधारे हुए सभी सम्मानित महानुभाव, ये बात सही है कि मैं प्रदेश में कांग्रेस से जनरल सेक्रेटरी भी रहा और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में 9 साल में मेंबर रहा और मैं 2008 में उदयपुर वाटी से कांग्रेस का प्रत्याशी भी रहा। लेकिन मैंने जब आज रिजाइन किया कांग्रेस पार्टी से तो मैंने अध्यक्ष मोदी को लिख के भेजा कि कार्यकर्ताओं की उपेक्षा, वार्तालाप का नहीं होना और जनता को झूठे वादे, इनसे मैं व्यथित होकर आपकी इस पार्टी से त्याग पत्र दे। मैं भारतीय जनता पार्टी में ऐसा समझता हूं कि मैं अपने घर में आया हूं। मेरे स्वर्गीय पिता कैप्टन सुरेंद्र सिंह साहब भारतीय जनता पार्टी के आफ्टर रिटायरमेंट एक समर्पित कार्यकर्ता थे। लोकेश जी शेखावत का चुनाव उनकी देखरेख में संपन्न हुआ था। मेरे समधी भी बीजेपी में हैं, पदाधिकारी हैं, विधायक भी रहे हैं। मेरा कुंबा भारतीय जनता पार्टी से बहुत ताल्लुक रखता है। तो मैं ये सोचता हूं कि मेरी विचारधारा कोई नई नहीं है, मेरा घर है जहां पे मैं अपने घर में लौट आया हूं। मुझे खुशी है, मुझे आनंद है और आप लोगों की उपस्थिति में और सम्मानित मंच पे विराजमान महानुभाव के आशीर्वाद से मैं दिन दूने और चार दिन दूने और रात चौगुना भारतीय जनता पार्टी की मजबूत नीतियों को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। आदरणीय मोदी जी ने देश विदेश में हमारे देश का जो नाम किया है उससे प्रभावित होकर उन्होंने राष्ट्र को एक नई दिशा दी है, उससे प्रभावित होकर मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए दिन रात काम करूंगा और मैं बिना कोई शर्त के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ हूँ। मेरा उद्देश्य केवल यही है कि भारतीय जनता पार्टी में रहकर लोगों की सेवा कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। धन्यवाद अभिनंदन जी। अब मैं माननीय ओम प्रकाश जी से आग्रह करूंगा कि वे आए और अपने विचार प्रकट करें। आइए।